Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Good morning all of you, a very good morning to all, and first of all a happy new year. A happy new year to all of you. So I am here for your this computer revision today. आज हम सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा जिससे सवाल आ रहे हैं that is a computer revision वो करने वाले हैं. So hopefully I'm audible, visible. सबसे पहले सभी को happy new year. Yeah, welcome all of you. First of all चलिए जल्दी से तो शुरू हो जाते हैं. आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं दैट इज दी कंप्यूटर की रिवीजन. देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है एंड दैट. तो कितने लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से देखते हैं. हु आर देयर? यस यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, मेनी आर देयर, कम ऑन. Yes, Rahul, Brajesh, all of you are very happy New Year. Yes. Okay. So just इसके साथ मैं आपको बता दूं कि whatever the batches for UPSC, EPFO और Airport Authority of India की बैच हम स्टार्ट करें उसमें मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी. मे बी आप यू मे गेट अ वेरी गुड जॉब इन एयरपोर्ट एंड ऑल दिस. और इन सब के लिए अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है दैट इज आप यू हैव टू जस्ट यूज माई कोड. अगर आपको सिर्फ जस्ट इफ यू यूज माई नेम प्रियंका एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट. ओके, सो विल गेट अ डिस्काउंट बाय यूजिंग माई नेम. डू नॉट फॉरगेट टू यूज दैट. ओके, तो चलते हैं. तो आज के पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज दैट? कम ऑन. तो जल्दी सब लोग रेडी हो गए हैं? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. चलिए 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 जल्दी से. चलिए ओके, तो काफी लोग जुड़ चुके हैं. नाउ वी शुड जस्ट वी विल बी स्टार्टिंग. कम ऑन. ओके, तो चलते हैं. आज कंप्यूटर की रिवीजन के लिए एक्चुअली काफी सारे सवाल आ रहे हैं, काफी सारी क्वेरीज थी कि वी शुड हैव दिस वन, सो वी हैव ब्रॉट इन दिस. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस. इन MICR, MICR में सी का विस्तृत रूप क्या है? ऐसे काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं. कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर. जल्दी से answer is character. MICR, the C stands for character. Okay, magnetic ink character recognition. अगला सवाल, which was an early mainframe computer? इनमें से कौन सा mainframe computer में पहला था? ENIAC, UNIC, then Brania, Frontier. Come on. Yeah. What is the answer? ENIAC. ठीक है, ENIAC was the mainframe computer. पहले जो mainframe computers हुआ करते थे, and then we have started developing the chips. ठीक है, next थोड़ा सा fast करते हैं. We will make it rapid fire. आप सब ने definitely पढ़ लिया होगा, but this is the test of time and the test of your recalling. कितनी recalling है? तो हम थोड़ा सा fast करते हैं. अगला सवाल, what is a set of instructions called? Instruction के set को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीक्वेंस. क्या कहते हैं बताइए? चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन. व्हाट इज दिस? सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट्स अ प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कि उसे क्या परफॉर्म करना है, दैट वी डिजाइन अ प्रोग्राम. Okay, it's a soft part of a software. Agla सवाल, dash connects the CPU to various internal components and to expansion cards for graphics and sound. ऐसा कौन सा है जो connects the CPU to various internal components and to expansion cards for graphics and sound? RAM, BIOS, chipset, internal buses. Yeah, what is the answer? Come on. Yes, जितने लोग हैं एक बार लाइक जरूर कर दे. हैप्पी न्यू ईयर पंकज कुमार, राजकुमार, लक्ष्मण, ओके, सक्सेना, अनुज कुमार. इंटरनल बसेस, ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सपेंशन. सिंपली इंटरनल बसेस क्या काम करती है? मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग, दे विल कनेक्ट द वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्सपेंशन कार्ड्स फॉर ग्राफिक्स एंड साउंड. इट इज अ इंटरनल बसेस. इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं सीपीयू के हिसाब से. विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, कई बार आता है. इनमें से कौन से थे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होते थे? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर. पंकज कुमार जी, चलिए आंसर करें. शिवालिका, कमोन शिवालिका, श्रद्धा, राहुल, विजय, मनोज, अमोल, अर्चना, हैप्पी न्यू ईयर अनुज, विकास, लक्ष्मण. चलिए चलिए चलिए. अनुराग श्रीवास्तव, कमोन. ट्रांजिस्टर्स, ये टिपिकल है. ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. अगला सवाल, Each model of a computer has a unique. उसमें एक अनूठी क्या होती है हर एक मॉडल में? असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सी एक अनूठी चीज होती है? चलिए जल्दी बताएं. मशीन लैंग्वेज. हर मॉडल के इसमें एक मशीन लैंग्वेज जो एक्चुअली कंप्यूटर के साथ ऑपरेट की जाती है वो अलग होती है, ठीक है. जो हम बात करते हैं वो मिड लेवल लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज या द वे वी टाइप, बट जो कंप्यूटर को समझते हैं वो है मशीन लैंग्वेज, एक अनूठी चीज. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. इनमें से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं से बिलोंग करती है? चौथी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज. जल्दी बताएं, कम ऑन. बाकी कोई बातें नहीं. चलो चलो जल्दी आंसर करें. चलो जितने लोग उतने लाइक हो जाए. चलिए जल्दी से, कम ऑन. Answer is query language, ठीक है. We fire the query. Query language is the fourth generation one. सबसे पुरानी है machine language. Query language fourth generation. आपको ऐसे hints याद रखने, अगर आपको पूरा कंप्यूटर नहीं भी आता है कोई जरूरत नहीं पूरा आने की. It's a generalist paper. सभी को जितना जितना आता है बस आपको उतना perfect आना चाहिए, मतलब सिंपल सी चीजें. तो आप क्या करिए, अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट लुक एट इट, फोर्थ जनरेशन क्वेरी लैंग्वेज. आपको पूछा जाएगा इन जनरेशंस के डिफरेंस क्या है, उसे आप पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए. उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो जस्ट सी, अगर फोर्थ जनरेशन क्वेरी लैंग्वेज, उसके पहले हमने ट्रांजिस्टर देखा, ये कुछ चीजें भी रही ना, तो एट आपका सही हो जाएगा. हमें क्या इंश्योर करना है कि हमें कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे दे, किसी भी तरह से, ठीक है. सो जस्ट रिमेम्बर एंड ट्राई टू रिकॉल. तो इसी जोश के साथ और नए साल में चलते हैं नए सवाल की ओर. The word spam is related to. चलो ये तो है लड्डू सवाल भाई, ये हमारे कंप्यूटर का लड्डू सवाल है. बताओ spam किससे related है? चलो चलो चलो. PDF फ्लिपकार्ट पे मिलेगी. Come on come on come on come on, फटाफट. What is the answer? ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. कंप्यूटर बहुत इजी है ये, आप जानते हैं क्या है. सी, वी हैव टू कवर, वी वांट टू कवर 150 क्वेश्चंस, ठीक है. तो ज्यादा टाइम नहीं है, जितना फास्ट सॉल्व करेंगे तो उतने ज्यादा MCQs होंगे. So we'll try to maximum solve MCQs. अगला सवाल, जनरेशन इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज, क्या है ये जनरेशन? अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वाज डूइंग, न्यूअर कंप्यूटर रिप्लेस बाय ओल्डर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपनी हु मैन्युफैक्चर्ड, या ऑल ऑफ दिस. कम ऑन फटाफट, 100 पीपल हैव स्टार्टेड, कम ऑन, 100 पीपल आर वाचिंग. चलिए चलिए चलिए, क्या लगता है आपको, व्हाट इज द आंसर? What is the answer? Answer is a change in technology. A change in technology a computer was using. It's a change in technology a computer was using. ये क्या होता है? It's a one. Next, which electronic component were used in first generation computers? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हैप्पी न्यू ईयर रिपान घोष, ऑल ऑफ यू जितने लोग ज्वाइन कर रहे, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. मे दिस ईयर बी अ ईयर ऑफ सक्सेस. आपकी मनचाही पोस्ट आपको इस साल मिल जाए. चले चले चले, come on, what is the answer? Vacuum tubes. It's vacuum tubes. ठीक है. अगला सवाल, which of the following is an example of first generation computer? चलिए फटाक से बताइए इसमें से कौन से है फर्स्ट जनरेशन. Answer is UNIVAC is the first generation computer. Agla sawal, a program that converts instruction into machine code or lower level form is called. इसे क्या कहते हैं? ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? असेंबलर, लोडर, कंपाइलर, कन्वर्टर. चलिए बताएं जल्दी से क्या कहता है. What is the answer? शिवालिका, प्रीति, पंकज, जॉनवेक, प्रीति, विपिन, अशोक. चलिए काफी लोग जुड़ चुके हैं. फटाफट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. आंसर इज कंपाइलर. अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड और अ लोअर इज कॉल्ड अ कंपाइलर. विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन थर्ड. अब देखो हम ऐसे करते करते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कवर करते जा रहे हैं. बस अब इसे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए ताकि एग्जाम आपका सही हो. थर्ड जनरेशन में क्या होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर. आई एम श्योर आपको आंसर आ गया होगा. आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट. एंड देन आने वाले हैं फोर्थ जनरेशन. विच ऑप्शन इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट विद अनादर नेम और टू अनादर लोकेशन. अनादर नेम और अनादर लोकेशन, कौन सा ऑप्शन है ये? सेव, save and replace, save as, new file. It's a very easy question. Laddu sawal, what is the answer? Come on, come on, come on. Answer is save as. Save as हम क्या कर सकते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को किसी और जगह पे या नाम से सेव कर सकते हैं. अगला सवाल, where does computer add and compare data? कंप्यूटर ऐड और कंपेयर कहाँ करता है डेटा को? CPU चिप में, मेमोरी चिप में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में. चलिए 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 जल्दी से. CPU chip. Add and compare, that is all the processing unit, because CPU is known as central processing unit. So data का processing क्या होगा? CPU. विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलो हम उस पर आ गए हैं सभी। आई वॉन्ट ऑल 105 पीपल करेक्ट जवाब दे, फोर्थ करेक्ट एकदम सही जवाब दे, बताइए। और सभी का सही होने वाला है, ये बहुत आसान सवाल है। आंसर इज VLSI। तो वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट से चलते हुए वी केम टू VLSI। Which single key operation can take the user directly to the starting of the line? इस की से directly you can start the line. Home A, page up, enter. What is the answer? Home. In a computer system, which device is functionally opposite of a keyboard? Computer system में functionally इनमें से कौन सी keyboard के विरुद्ध है? Mouse, trackball, joystick, printer. चलिए जल्दी 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 जवाब दे। Come on, what is the answer? Happy New Year जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं। A very happy New Year to you. प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर बिल्कुल फंक्शनली अपोजिट है कीबोर्ड के, याद रखिए। कौन है फंक्शनली अपोजिट? प्रिंटर। और ये प्रिंटर का अगर पूछा गया तो कीबोर्ड है। विच इज नॉट अ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? CPU, मॉनिटर, माउस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट हार्डवेयर? सो टेल मी व्हाट इज द आंसर। Answer is Microsoft Windows is not a hardware. It was a laddu सवाल। अगला, dash devices are internal or external devices that connect directly to a computer but do not contribute to the computer's primary function such as computing. Directly externally connected है but participate नहीं करते। Peripheral, terminal, session, node। चलिए थोड़ा सोच के बताएं जवाब क्या है। पीडीएफ सभी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। आफ्टर द सेशन कमेंट सेक्शन में मिलेगा। पेरिफेरल, ठीक है, इंटरनल डाटा कनेक्टेड डायरेक्टली। पेरिफेरल मतलब ज्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस, लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में वो काम नहीं करते, जैसे माउस। अदर थिंग्स, अ 4 कोर प्रोसेसर इज नोन एज। 4 कोर प्रोसेसर में क्या, अगर आप इनकी रचना भी जानते हैं कि सिंगल, यूनिक, क्वाड और ड्यूअल का मतलब क्या है, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। जवाब दे जल्दी से। चलो चलो, व्हाट इज द वन, आंसर करो जल्दी से। आंसर इज क्वाड क्वाड। देखो, सिंगल कोर मतलब 1, यूनी 1, ठीक है, ड्यूअल इज 2 और क्वाड इज 4। तो जहां पे 4 प्रोसेसर दैट इज वो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग फैसिलिटेट करते हैं, उसे क्वाड कोर कहते हैं, ठीक है, डुअल कोर, क्वाड कोर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर, इनमें से कौन सा लाइन प्रिंटर है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या चेन प्रिंटर। एकदम इजी सा सवाल है, जल्दी से आंसर करें। चलिए बताएं। द आंसर इज chain printer. Answer is chain printer. If more than one person needs to be connected to a single central computer, which of the following is required? But more than the what is which of the following is required? चलिए बताएं। टर्मिनल, ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर इनमें से टर्मिनल इज रिक्वायर्ड। चलो सभी आंसर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्हें थोड़ा बहुत पता है उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं। हमारे मार्क्स किसी को देने नहीं है, so इसीलिए जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा स्कोर। एंड दिस इज प्रूविंग टू बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज और अ लोअर लेवल फॉर्म इज कॉल्ड असेंबलर, लोडर, कंपाइलर, कन्वर्टर। चलिए, मेनी पीपल आर देयर, कम ऑन, वेरी गुड। रजतन कुमार, अनिल बरला, अनिशा दास, अर्चना सिंह, आशुतोष मिश्रा। Ashutosh, are you enjoying the session or not? Compiler. That is a compiler. बाकी सब न्यू ईयर पार्टीज मना रहे होंगे, बट यू विल बी द पोस्ट होल्डर इन दिस न्यू ईयर. ठीक है, जो इतनी सुबह आंसर करने के लिए तैयार है. कम ऑन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. एकदम आसान है, अभी हमने प्रैक्टिस किया है. बताइए, आंसर इज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? या जल्दी से शेयर कर दे, इंटीग्रेटेड सर्किट. इसलिए जल्दी, इन फ्यू सेकेंड्स प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स. जल्दी से सेशन को शेयर कर दे एंड लाइक जरूर कर दे. लाइक तो आप कर ही रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दे, जितने लोग उतना अच्छा होगा आपके लिए. सो इट विल बी अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन. फटाफट शेयर कर दे विथ योर फ्रेंड्स एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. जयदेव, शिवम, पुनीत, आशुतोष, श्रेया, which option is used to save the document with another name or another location? Is this, we have seen that. Where does computer add and compare the data? We have seen that. Okay, yeah, I guess we have done it. If more than one person need to be connected to a single central computer, which of the following is required? Light pen, mouse, digitizer, terminal. If more than one person needs to be connected to a single central computer, तो हमें किसकी जरूरत होगी? Light pen, mouse, digitizer या terminal. Good morning, Manish Kumar Bhagat. Yes, I have just. No. We have 150 question. Don't worry. See, what is the answer? Answer is terminal. Okay, answer is terminal. A program that converts instruction into a machine code or lower is known as. चलिए जल्दी से बताएं. चलो फटाफट प्रैक्टिस फास्ट करें. ओके, देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस. इनमें से किस में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस का ऑप्शन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, माउस, कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज माउस कीबोर्ड स्कैनर. ओनली इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइसेस है. बाकी इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट डिवाइस था. ओके, अगला सवाल, डिजिटाइजर इज अ कंप्यूटर एंड डैश डिवाइस यूज टू कैप्चर हैंड रिटन सिग्नेचर एंड डेटा और इमेजेस फ्रॉम द टैप्ड पेपर्स. डिजिटाइजर एक कंप्यूटर का क्या है? इज अ कंप्यूटर व्हाट? What is the answer? Input. Okay, so digitizer क्या है? It's a computer input device used to capture handwritten signature. ये question आ सकता है क्योंकि इन दिनों handwritten signature और data को काफी लिया जाता है. ठीक है, so this is the computer digitizer is used. Okay, अगला सवाल, which of the following is an output device. चलो ये एकदम आसान सवाल है, जल्दी से आंसर करो. शिवालिका, ओके, चलो, आंसर इज स्पीकर. स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस, माइक इज अ इनपुट डिवाइस, स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस. ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर. इनमें से कौन सा प्रिंटर की स्पीड गिनने के लिए होता है? स्पीड ऑफ अ प्रिंटर. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इनमें से कौन सा? सीपीएस, एलपीएम एंड पीपीएम यूज टू मेजर द प्रिंटर, नॉट कंप्यूटर, प्रिंटर. ठीक है, अगला सवाल, ऐसी टर्म्स अगर आपको दिखती है तो जस्ट per minute, per second, these are the terms for measuring in a printer. Which of the following is the brain of the computer? Very very easy question. Answer is central processing unit is known as the brain. क्योंकि वहाँ पे सारे calculation सब कुछ होता है. Which of the following is an output device? MICR magnetic ink character recognition, optical character recognition, optical mark reading, visual display unit. What is the answer? Come on. VDU, Visual Display Unit. अगला सवाल. What is the full form of GPU? ठीक है, चलो बताइए आपको, अभी मुझे बताना है what is the full form of GPU? Gross Processing Unit, Graphics Processing Unit, Graphics Progress Unit या Graphics Pictures User. चलिए जल्दी से व्हाट इज आंसर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU. ओके, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? चलिए बताएं मुझे. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज स्कैनर. आंसर इज स्कैनर. ओके, अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? पावर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम. कंट्रोल यूनिट, CU, control unit is a hardware. Okay, OS definitely not, and drivers भी softwares होते, PowerPoint as well. PowerPoint you know PPT, so control unit is a CU in the CPU. Enable is equal to, ये एक important factor है. Enable is equal to dash bits. कितने bits मतलब एक nibble होता है? निब्बल और उसका डबल मतलब दिस 8. ठीक है, निब्बल निब्बल यानी उसका दिस हाफ हाफ. कई लोगों को नहीं पता होता है. निब्बल इज अ 4 इक्वल टू 4 बिट्स एंड व्हाट इक्वल टू 8 बिट्स. 8 बिट्स इक्वल टू व्हाट? गिव इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज डीएमए इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स में डीएमए का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज डीएमए? डीलर मैसेज एक्टिविटी, डायरेक्ट मैसेज एक्सेस, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. Answer is direct memory access, DMA. Okay, अगला सवाल. Which of the following is a volatile memory? इनमें से कौन सी volatile memory है? EEPROM, EEPROM, DVD, SRAM. This is so basic, हम एकदम starting में पढ़ते हैं. इनमें से कौन सी volatile है? What is the answer? It's very easy. Volatile memory is SRAM. Okay, Volatile is, what is SRAM? Random access memory. So random is a volatile, whereas read only memory is a permanent. Floppy disk, ये क्या? एकदम basic सवाल है अभी, ठीक है, जो हम starting में पढ़ते हैं ये question आते हैं. What is a floppy disk? Primary memory, cache memory, nothing but a hard disk used for backup purpose. Answer is used for backup purpose. Floppy disk जो पहले आती थी, अब तो हमारे बहुत सारे storage units है. We have even the clouds. Clouds पे हम देखते हैं, मतलब ऊपर वाले नहीं, क्लाउड्स, ठीक है. सो कोई हार्ड सर्विस की जरूरत नहीं है, बट पहले भी यूज है फ्लॉपी डिस्क. सीडी रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी. What is the answer? Secondary. Secondary मतलब फिर as a second source to store the memory. Which of the following memory is volatile? इनमें से कौन सी volatile है? बहुत आसान है. RAM is a volatile random access memory, whereas read only memory is not a volatile but a permanent. How many binary numbers are created with 8 bits? Okay, कितने binary numbers बनाए जाते हैं 8 bits के साथ? $256. How many binary numbers are created with 8 bits? 256. ठीक है, कहां तक पहुंच सकते हैं 8 bit these numbers के साथ? हम कहां तक पहुंच, that is 256 max. Now on the basis of memory size and performance, which type of computer is known as big iron? ठीक है, memory size और performance के हिसाब से किसे कहा जाता है big iron? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर. चलिए जल्दी से बताएं, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी, मेन फ्रेम. देखो मेन फ्रेम को क्या कहा जाता है? इट्स नोन एज बिग आयरन. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस? विच इज फास्टर? ओके, यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD. कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं. मैं आपको बता दूं कि अगर वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत सालों बाद, 4 सालों बाद ये आई है रिक्वायरमेंट, एंड आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन गेट अ सैलरी अप टू ऑलमोस्ट इन लैक्स, काफी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टार्टिंग द कोर्स, मैं आपको जो जीके पढ़ाऊंगी एंड ऑल्सो EPFO. आपको कोई भी इनमें से आपको कोर्स लेना है, अगर आप मेरा नाम यूज करते, इफ यू यूज माई नेम प्रियंका, आपको इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. वो कितना भी बड़ा कोर्स क्यों ना हो, उस पर जितना डिस्काउंट है, एक्सेस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा नाम टाइप करते ही. सो बिल्कुल ना भूले और अपनी पोस्ट बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है. सो जस्ट बने रहिए विद दिस. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट, सो फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज फास्ट एंड स्पीड इज रैम. Definitely random access, but say we can access it, ठीक है. That is what's a random access one, which is a volatile memory. RAM is used as a short memory in a computer because क्यों होता है RAM? क्योंकि वो expensive है, उसमें less capacity है, वो programmable है, या वो volatile है. वो हमेशा short memory के लिए क्यों use होता है? जवाब है वो volatile है, ठीक है. Volatile मतलब हमें temporary requirement जब होती है, जैसे कैशे मेमोरी होती है ना, जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए, उस हिसाब से रैम वो होती है. उसमें हम क्या करते हैं, इट्स जस्ट अ वोलेटाइल वन, अंडरस्टूड. जैसे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. तो जो शॉर्ट टर्म होती है हमारी, वो है रैम, वोलेटाइल. भूल जाते हैं क्या खाना खाया कल, है ना? नहीं, न्यू ईयर पार्टी पे नहीं भूले होंगे. अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड व्हाट अ बाइट रिप्रेजेंट्स. 0 से लेके कितने नंबर तक बाइट रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या है? चलिए, व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. माय फंक्शन जी आप पढ़ने के दिन गए, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। अच्छा फॉर्म आपको कहाँ से भरना है? अच्छा ठीक है, ओके, आप हमारे टेस्ट बुक के साइट पे जाइए, testbook.com पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एकदम पॉप अप होगा, मैं भी आपको दिखूंगी उस कोर्स में, उसे क्लिक कीजिए, वहाँ पे वो फॉर्म है, वहाँ पे भी आपको एक्सेस मिलेगा, या AAI टाइप कीजिए वहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वी हैव अ वीडियो टेस्ट बुक, वी हैव ब्रॉट इन द वीडियो की फॉर्म कैसे भरना है, आप बस उसे सर्च कीजिए, ठीक है। अ बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 255, that is total 256. The computer system which does not require any storage device is digital analog hybrid third generation computer. चलिए अंकित, उद्धव पाटिल, सूरज, शिवालिका, कार्तिक सारंग, सोनू, श्रेया, सुमन, चलिए मुझे बताइए 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, मुझे देखिए। जिसे आपको नहीं भी पता, आप इस टर्मिनोलॉजी को देखो तो आपको समझ आ जाएगा। जल्दी बताइए सब लोग कमेंट सेक्शन में, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर सुनीता नायक, मिथुन खुराना, आशा प्रशांत। चलिए चलिए चलिए, सो इसका आंसर तब तक हम देख लेते हैं। आंसर है ए, that is analog, which does not require any storage device is analog. अगला सवाल, which one of the following is not a valid category of computer memory? इनमें से कौन सा एक सही श्रेणी में नहीं है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, पब्लिक मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी। चलिए चलिए चल लड्डू सवाल 1024। हाँ यहाँ पे 1857 का युद्ध चल रहा है पीछे, क्या करें, रोक नहीं सकते। ओके चलिए चलिए बताइए, हाँ शिवालिका आपका बिल्कुल सही है, लेकिन शिवालिका वो 0 से 255 है, मतलब टोटल कितना हुआ है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी? आंसर इज पब्लिक मेमोरी। ओके, अब मुझे बताइए पब्लिक मेमोरी, ठीक है, इट इज नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इज द कैटेगरी। अगला सवाल, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी की दो टाइप मुख्य क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम सिक्वेंशियल, ओपन एंड क्लोज, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? हैप्पी न्यू ईयर आलोक सिंह। व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, ये मुख्य टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके अगला सवाल, अगले सवाल की ओर जाते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम 50 की ओर बस जा ही रहे हैं। अगला सवाल, डैश आर यूज्ड टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स एंड हार्ड ड्राइव्स, इनमें से कौन सा यूज होता है बताइए। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, मिथुन जी, अमित जी, what is the answer? Answer is bytes. They are used. इसमें हम गिनते हैं bytes. Used to measure with computer memory, storage, इन सबको, सभी जगह we measure in bytes. Which of the following statement is valid? इनमें से क्या valid है? चलो चलो बहुत लोगों के डाउट सॉल्व हो जाएंगे अभी। 1 KB is 1024 bytes. 1 MB 102448 bytes. 1 MB is 1000 bytes. 1 MB is 1024 kilobytes. What is MB? मेगाबाइट, KB किलोबाइट। चलिए चलिए चल लड्डू सवाल, जल्दी से आंसर करें। चलिए चलिए, जो सामने दिख रहा है उसे जल्दी से परफॉर्म करें, जितने लोग एक लाइक जरूर हो जाए, काफी लोगों ने लाइक तो किया ही है। चलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले, चलिए चलिए शेयर कर दीजिए। आंसर इस देखिए एकदम सही, मतलब 1 मेगाबाइट यानी 1024 किलोबाइट, ठीक है। ये सब गलत, ये बाइट्स, अगर ये बाइट होता तो ये सही होता। ओके ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। These are specially designed computer chips reside inside another device, किसी और डिवाइस के अंदर, ठीक है, such as your car और your electronic thermostat. What are these? ऐसे कौन से डिवाइसेस है जो किसी और मुख्य डिवाइस के अंदर लगाए जाते हैं? मेन फ्रेम, सर्वर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर या रोबोटिक कंप्यूटर? जरा जल्दी बताइए कौन से है, एम्बेडेड या रोबोटिक? व्हाट इज द आंसर? चलिए जल्दी, एम्बेडेड। देखो एम्बेडेड का मतलब क्या है, आपकी अगर वॉशिंग मशीन है उसमें कंप्यूटर जैसा कुछ सिस्टम अगर चलता है तो पूरा कंप्यूटर वहां लगाया नहीं जाता, वहां पे एम्बेड की जाती है सिस्टम, मतलब वो फंक्शनिंग उसके जैसा है, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस ये किस तरह का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर? चलिए जल्दी बताएं व्हाट इज द आंसर। रेफ्रिजरेटर, हर वो इलेक्ट्रॉनिक, हम कहते हैं ना आज के दिन में कि वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वी से ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, राइट? सो उसका मतलब क्या है, डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक चिप से बना है, लेकिन जो कंप्यूटर वाला जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो एम्बेड किया जाता है। एम्बेडेड मतलब ऊपर से, जैसे मोती जड़े होते हैं, हीरे मोती जड़ना, जड़ना मतलब एम्बेडेड, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इज अ कंप्यूटर माउस इज अ इनपुट? In comparison to main memory, the disk memory is. Disk memory कैसी होती है? Slower and expensive, slower and less expensive, faster and more expensive या faster and less expensive? चलिए Happy New Year Zahar, Anu। चलिए ऑल ऑफ यू, चलिए हैप्पी न्यू ईयर ज़ाहर, हैप्पी न्यू ईयर। स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, तो देखो मेन मेमोरी के कंपेयर में डिस्क मेमोरी स्लो और लेस एक्सपेंसिव। प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करके, सी जस्ट इसे क्या कहते हैं, कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एज बैकअप। देखो बैकअप की डेफिनेशन आपको जिंदगी में अगर किसी ने पूछी तो उसका मतलब क्या होता है, डेटा को प्रोटेक्ट करके, उसे कॉपी करके ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लगाना। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स? 5th जनरेशन में कौन से यूज होते हैं? ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, ULSI। और बिल्कुल इसके साथ रिवीजन कम नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारे जो सेशंस है, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस सेशंस, जितनी ज्यादा एमसीक्यू उतना अच्छा, लेकिन एट योर पॉइंट इट इज योर ड्यूटी, आप उसे रिवाइज करते रहे। एवरीडे 2 ही काम करने हैं आपको एग्जाम तक, एक है मैक्सिमम 70% टाइम शुड बी गिवन टू एमसीक्यू, क्योंकि एग्जाम इस टाइप पे है, और बचा हुआ टाइम रिविजन। जितना बचा, जो आपको वीक पॉइंट लगता है, रिवाइज, रट्टा मार लो, रिवाइज कर लो और एमसीक्यू सॉल्व करो। ये कॉम्बिनेशन जो करेगा वो पास हो जाएगा और पोस्ट भी लेगा। दिस ULSI। नाउ विच ग्रुप इंक्लूड्स सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, लाइक टू ऑप्शंस इन MS वर्ड? जैसे MS वर्ड में ऑप्शंस होते हैं उस तरह से ये कहाँ पे है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, जो बताइए इनमें से कौन से और कितने हैं? चलिए आंसर बताएं। हाँ, DRDO के लिए भी चलता है, यस। फॉन्ट, ठीक है, आंसर इज फॉन्ट। MS Excel 2020, द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव अंडरलाइनिंग, ये क्या है? इनमें से कौन सी है जो शॉर्टकट की अंडरलाइनिंग को रिमूव करने के लिए? कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5. हैप्पी छोटू जी, हैप्पी न्यू ईयर. चलिए चलिए चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं. कंट्रोल प्लस 4, ठीक है. सो दिस इज द वन. ऐसी कुछ चीजें याद रखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं. कंट्रोल प्लस 4 है, नहीं तो आप करके देखो. अंडरलाइनिंग इज नोन एज कंट्रोल प्लस 4. अब थोड़ा सा एमएस एक्सेल से रिलेटेड है, सभी लोग एकदम ध्यान दो इंस्ट्रक्शंस पे. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. रो और कॉलम का इंटरसेक्शन उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर, रो, सेल, वर्कशीट. एकदम लड्डू सवाल है, बताइए क्या हुआ. अनिकेश घोष क्या रिप्लाई नहीं किया. अश्विनी यादव, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. बताइए अनिकेश. सेल, ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉ किया था इस पार्ट को कहते हैं सेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट. उसे एडिट करने का एक सही तरीका नहीं है, नहीं है. प्रेस द अल्टरनेट की, प्रेस F2 की, डबल क्लिक द सेल, प्रेस द कंट्रोल की. कौन सा सही तरीका नहीं है? जतिन कुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. ओके जतिन, आपका 13 जनवरी को है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हम बहुत सारे, आप लास्ट में आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बताइए. आप लास्ट में बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस रिक्वायर्ड है, आपको कौन से एमसीक्यू सीरीज चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए. वी हैव सीन कि कंप्यूटर क्लासेस का काफी चल रहा था, सो आई हैव ब्रॉट इन द कंप्यूटर क्लास. आप जैसे आप टॉपिक्स बताएं आपको डिफिकल्ट लगते हैं, यू वांट दिस मेगा सेशन, मैराथन सेशन, वी विल ब्रिंग दैट, ठीक है. सो आप कमेंट्स में बताइए. प्रेस द अल्टरनेट की, अल्टरनेट की इस सही तरीका नहीं है. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट डज टू अपीयर इन द एमएस वर्ड. ये जो 2 है, ये एमएस वर्ड में अगर आप करेंगे तो ये किस तरह अपीयर होगा? एज अ टॉप स्क्रिप्ट, एज अ सबस्क्रिप्ट, एज अ अपस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट? चलिए बताएं. जतिन कुमार, हैप्पी न्यू ईयर. डेज एंड थीम्स, पॉलिटी से क्वेश्चन, उसमें काफी कंफ्यूजन होता है. अमित, हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामना दीजिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुज कुमार जी, बेरोजगारी का कलंक सबसे हट जाए और बिल्कुल आप बहुत सी प्रगति करें, आपके मनचाही जॉब मिले साल सभी को. एंड बस मुझे ना भूले सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है. तो अगर जब आप एमएस वर्ड में ये करोगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट एट द टॉप दिखेगा. सबस्क्रिप्ट मतलब जो यहाँ पे होता है. इन एमएस एक्सेल 2007 डेट फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम. डेट जो फॉर्मेट है वो किससे चेंज किया जा सकता है? चेंज फ्रॉम डेट फॉर्मेट, व्यू, होम, इंसर्ट, रिव्यू. अपस्क्रिप्ट, हाँ कुछ नहीं है ऐसा, करेक्ट है. टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साथ में. ओके, सेकेंड फेज का कुछ दिनों में पता चल जाएगा. What is the answer? Home tab. Okay, definitely you can change the date format from the home tab. Next, how do you save a currently open presentation under a new file name? नए file name के अंदर आप presentation कैसे change कर सकते हो? अमित सिंह, happy new year, happy new year. चलिए चलिए, सिर्फ आंसर करें, बाकी कोई मैसेज नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ जवाब दे जवाब दे. Don't spam the group. Select the file menu. How do you currently save a open presentation under the new file name? Simple है. एक select the file menu, choose save as. बहुत आसान है, हर चीज ऐसी चीज आपको file menu में मिलेगी. वहां अगर वही document करना है तो आप save करोगे, नया करना है तो save as करोगे और नए location पे भी कर सकते हो. अगला सवाल, which tool in the MS Word is used for synonyms and antonyms word? कौन सा टूल होता है बताओ? Which tool? Thesaurus, synonyms and antonyms. आप जानते हैं ना, thesaurus डिक्शनरी मतलब एक के अनेक शब्द आपको यहाँ मिलेंगे. To save a text in MS Office शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन क्या है सेव करने के लिए? एकदम लड्डू सवाल है ये, बहुत आसान है. व्हाट इज द आंसर? मेरा नाम तो नहीं बोलेंगे ना सभी? Answer is Ctrl+S. Simple. Thesaurus tool is used for. किस लिए होता है? एकदम आसान है. चलो लड्डू सवाल है. Answer is synonyms and antonyms. Simple. Which of the following option contains extension of MS Office files? बहुत आसान है. चलो MS Office की अगर फाइल्स आपको एक्सटेंशन क्या क्या एक्सटेंशन डॉट हम कहते हैं ना, डॉट .txt, डॉट .ea, तो इनमें से कौन सा है? XLX मतलब डॉक्स एंड पीपीटी, मतलब MS ऑफिस की कौन कौन सी, हाँ अगर पीपीटी सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट या फिर स्प्रेडशीट, तो ये होगा. Which of the following will emerge in a text because of the use of a font which is not supported by? इनमें से क्या ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा अगर आप फॉन्ट नहीं यूज कर वो यूज करें जो सपोर्टेड नहीं है? चलिए जल्दी 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 शेयर करें बच्चों के साथ. इम्पोर्टेंट डेज, थीम्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ऑनर, मैम, इसके ये हमने जतिनदीप सिंह हमने पहले ही बना रखे हैं. PDF आपको मिलेगा, हमने इनकी प्रैक्टिस करा रखी है ऑल मेगा सेशंस. और इसके साथ कुछ चाहिए तो बताइए. PDF बटेगा, PDF मिलेगा, ठीक है, कमेंट में मिलेगा. आंसर इज इट विल बी डिस्प्लेड इन डिफॉल्ट फॉन्ट. यस, अगर आप जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्टेड होगा, अगर आप जो कर रहे हो वो नहीं प्रेजेंट होगा तो डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगला सवाल, श्रिंक वन पेज इज अवेलेबल, कौन से व्यू पे श्रिंक वन पेज अवेलेबल है? To save a Word document MS in a specified location, you have to click and select in Office button. Office में हमें क्या select करना पड़ता है? Save as. देखो Save as का multiple use है. MS Word हो या वो कुछ भी कहीं और, we can use save. ठीक है? Next. Okay. तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम. Dash is a software that assists users in processing and analyzing tabular data. Processing and analyzing tabular data इनमें से कौन सा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्ड, टूल, स्प्रेडशीट। Answer is spreadsheet that assists user processing analyzing tabular data. तो tabular data आप कहाँ डालोगे? Spreadsheet पे। Which one of the following shortcut keys is used to create a new document in MS Word 2007? आंसर इज कंट्रोल प्लस एन। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट आप करने कंट्रोल प्लस एन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट? कौन सी टर्म इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? फंक्शन की इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन इज रिलेटेड टू इंटरनेट। अगला सवाल, small application programs that run on a web page and may ensure a form is completed properly or provide animation are known as. ये बहुत important है, इतना these days ये current में है। So small application program that run on a web page, तो वो क्या है? Flash, spiders, cookies, applets। बताइए क्या है? Okay, 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 okay. Gokul, yes, yes, yes. You will get the PDF. You will get the PDF. Applets, no, cookies store करता है. Applet एक function होता है proper. Applet is just like you're writing a program और वो आपको जैसे web page दिख रहा है ना YouTube पे, वो दिखाएगा applet. वो होता है applet. सारे program से applet में लिखे जाते हैं. The initial development of the internet was supported by. इनमें से क्या कहाँ supported था? Initial development in the internet. Was it supported by ARPANET, IBM, AT&T and Microsoft? इनमें से किन से supported था? Answer is ARPANET. ठीक है? It had supported. ये सारे अलग अलग ये है IBM and AT&T. Okay? So it was supported by ARPANET. Dash cookies are also known as transient cookies. इनमें से कौन सी कुकीज ट्रांजिएंट कुकीज के नाम पे जानी जाती है? वेरी गुड, अच्छा दुक्का था। वेरी गुड। आस्की कोड, दैट इज आस्की, अमोल चौगुले जी। गुड गुड गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन ऑल ऑफ यू, हाउ इज द जोश? कम ऑन टेल मी, हाउ इज योर जोश? It's been 1 hour. हमने अभी तक almost we have covered 73 questions. 73 questions कर चुके हैं हम, और हमें 75, 6, 7 करने हैं. We have to make it to 150 today. ठीक है? So how's your जोश? Come on, show me the जोश. Cookies are also known as कौन सी cookies को transient cookie कहते हैं? Sorry, session cookies. Session जो सिर्फ session तक रहती है, session cookies are known as transient cookies. Which of the following is not a service provided by internet? इंटरनेट के द्वारा कौन सी नहीं होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग यानी ISP, ईमेल, चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग। बच्चे को भी आ जाएगा इसका जवाब। ISP इंटरनेट सर्विस, ये मैं और आप कोई प्रोवाइड कर सकते हैं जो इनके पास लाइसेंस है। इंटरनेट वर्क्स ऑन सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, बोथ सर्किट पैकेट स्विचिंग, none of these. इंटरनेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हाट इज द आंसर? अंकित रॉय क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग अंकित। ओ अरुण, अरुण आप तो बात ही मत करो, आप आए इतने लेट हो, कहाँ जोश आपका स्लो रहेगा, एक घंटा लेट हो आप। गुड मॉर्निंग अंकित रॉय, मैंने आपका गुड मॉर्निंग देख लिया। दिस क्वेश्चन वॉज इन मॉक टेस्ट, ओके। चलिए चलिए आंसर करें जल्दी। कोई नहीं अरुण, चलो हैप्पी न्यू ईयर अरुण। ऑन पैकेट स्विचिंग, पैकेट्स पे स्विच, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा होता है, पैकेट स्विच, दैट इज इंटरनेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैकेट स्विचिंग, इतना याद रखो। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम फॉर वेब पेज एड्रेस? वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या होता है? डोमेन, डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल, फटाफट। सो सिंपल, वेब पेज एड्रेस के लिए नाम है URL, वेब पेज एड्रेस के लिए नाम है URL, सिंपल। देखो ये छोटी चीज है, लेकिन इसमें आसान सवालों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं, सो वो हमें नहीं करने हैं, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कंट्रोल प्लस टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, न्यू टैब, स्विच टैब, डिलीट टैब, शो हिस्ट्री। What is the answer? यहाँ मेरा कंट्रोल प्लस टैप करके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, भगवान। यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, कंट्रोल प्लस टैप। अगला सवाल, स्विच टैब, ठीक है। सो देखो, कंट्रोल प्लस टैब मतलब इंटरनेट, इट इज नॉट अ न्यू टैब, इट इज स्विच टैब, कंट्रोल प्लस टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू ऑप्टिकल सिग्नल्स? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू ऑप्टिकल सिग्नल्स, कोएक्सियल, एसटीपी, यूटीपी, फाइबर ऑप्टिक। चलिए बताएं क्या है जवाब, कम ऑन फटाफट। राकेश, यस यस, राकेश, शिवालिक, विनय, पीडीएफ सबको मिलेगा। चलिए ऑल ऑफ यू फटाक से, थोड़ा फास्ट ना, अभी सुपर रैपिड फायर होगा। फाइबर ऑप्टिक, इलेक्ट्रिकल इंटू ऑप्टिकल सिग्नल, विच इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क? नोड्स, नोड्स मतलब अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो नोड से कनेक्टेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी गाइड्स द प्रोग्रेशन ऑफ TCP/SIP सूट एंड द इंटरनेट? कौन सी कमिटी होती है? फॉलोइंग गाइड्स द प्रोग्रेशन ऑफ, IIB, ITC, RDF, जस्ट एक बार देख लीजिए, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। चलिए चलिए चलिए, काफी लोग हैं। व्हाट इज द आंसर? कम ऑन ऑल ऑफ यू। Yes, good. चलिए आंसर IAB, ओके, प्रोग्रेशन ऑफ द TCP/IP सूट एंड द इंटरनेट, बस इतना ही ध्यान रखिए, दैट्स इट। IP, दिस वन, IP एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिट्राइव द ईमेल्स? ये महत्वपूर्ण है, ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए क्या यूज होता है? बताया जल्दी, क्या यूज होता है? IAMP प्रोटोकॉल, ठीक है, टू रिट्राइव द ईमेल्स। Which one of the following is इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? कौन सा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? C++ है कि कोबोल है कि TML है कि TCP/IP है? What is the answer? अरुण, हाँ चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा जल्दी से एक जस्ट इट इज 1 hour। TCP/IP ये क्या है? प्रोटोकॉल है, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस या किसी और से हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे हमें इससे पता चलेगा, ठीक है, जबकि ऊपर वाली लैंग्वेजेस। अच्छा मुझे जाना 1 घंटा पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 75+ क्वेश्चन हो चुके हैं। जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स कि लोगों के साथ शेयर करें जल्दी से। चलो आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, जल्दी से शेयर कर लीजिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बंच ऑफ क्वेश्चन। चलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ सबके शेयर कर लीजिए और होपफुली आप मेरा नाम नहीं भूलेंगे। इफ यू वांट टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन, आपको अगर लेना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी, तो जस्ट मेरा नाम यूज करिए, जितनी भी फीस होगी 20% डिस्काउंट। चलिए फटाफट जल्दी से शेयर कर लीजिए। बलजीत कंबोज गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। शिवालिका वेरी नाइस। आशा प्रशांत, संजय सरकार, राहुल प्रसाद, यस नेक्स्ट विल गो ऑन टू नेक्स्ट। जल्दी से शेयर कर लीजिए। ओके अमित, कोई नहीं। चले अगले सवाल की ओर। एज इट वाज 1 hour कंप्लीट हो गया था, इसलिए इट वाज अ शॉर्ट फ्यू सेकंड्स का ब्रेक। नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी फॉर अ सुपर रैपिड फायर। मैं क्वेश्चन सामने रखूंगी, फट से पढ़ना है, झट से आंसर करना है। स्टार्ट। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कनेक्ट द रिमोट कंप्यूटर? Dial-up is used to connect a remote computer. अगला सवाल, which of the following device specially designed to forward packets to specific ports based on packet address? अगले 10 मिनट ये सुपर रैपिड फायर चलेगी। Okay, speciality hub, switching hub, port hub, filtering hub. Happy New Year संजय सरकार। Come on. Yes. Switching hub, okay. What are the 4 things needed to connect to the internet? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन सी ये 4 चीजें लगती है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन ISP। फटाक से देख के बताओ कौन सी चीजें लगती है। गुड मॉर्निंग करण, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत दिनों बाद आया। ओके प्रदीप कुमार जी, PDF आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। कम ऑन, आंसर इज, देखो अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है तो टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच टूल इज यूज्ड टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्रॉइंग, मूवीज, साउंड और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलस्ट्रेट स्पेसिफिक कंसेप्ट इन MS Excel? बताने के लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत है? व्हाट इज द आंसर? गुरुवाचरण, चलिए ऑल ऑफ यू। कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आंसर? आंसर इज क्लिप आर्ट। अगर आपको ये सारे फीचर्स ऐड करने हैं तो यू हैव टू यूज क्लिप आर्ट टू सेव। ओके कम ऑन, वी आर जस्ट डन। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, we will move on to the next point. तब तक आप लोग सब शेयर कर ले। Just share the session till then. We'll start with it. Okay. So, chalo. We'll move on to the next one. Okay. So, EPIC. EPIC is an example of dash developed in India. Answer is web browser. Web browser ये India में develop हुआ है. Please याद रखिए, it's a web browser developed in India. A compiler is a what? एक compiler क्या होता है? Hardware, software. What is a compiler? Example of software. Sorry, it's a hardware. Sorry, compiler is a example of software. Software. Compiler क्या करता है? Data को compile करता है, language इसमें change करता है. DVD technology uses an optical media to store. DVD technology uses an optical media to store digital data. So DVD is an acronym for DVD is an acronym for what? So answer is digital versatile disk. Please remember, it's a digital versatile disk. You may not remember as a versatile, but it's a versatile disk. Which of the following acts as an interface between end users and computer hardware? इसके बीच का interface कौन सा है? End user and computer hardware. कौन सा आशीष, कौन सा आंसर गलत है? नो, इट्स अ सॉफ्टवेयर ना. कौन सा आशीष? सॉफ्टवेयर इज द वन. आशीष मुझे बताइए. ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन एंड यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट हैपेंस व्हेन मिनिमाइज बटन ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो इज क्लिक्ड? जब एक मिनिमाइज बटन तो क्या होता है बताइए? The application window appears as an icon on the status bar. Simple. Dash is a set of program that enables your hardware device and application to work together. इनमें से कौन सा है? ठीक है. System, software, management, processing, utility. Don't spam the group. Don't spam the group, please. अच्छा अच्छा ठीक है. बट आप सबको आंसर तो समझ आया ना? उपाध्याय जी, वेलकम टू द क्लास. सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. Enables hardware device and application software is system software. ये दोनों को कनेक्ट करता है. अगला सवाल, which of the following is not an example of utility software? इनमें से कौन सा utility software का नहीं है? Notepad, antivirus, disk cleaner, file compression. Come on. आलमपद्य जगदीश, हैप्पी न्यू ईयर जगदीश। चलो चलो फटाफट फटाफट, ओके विल गो फास्ट। नोटपैड, ठीक है, नोटपैड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। What is the answer? This one. What type of software publication is Microsoft Word? Microsoft Word इनमें से कौन सा टाइप है बताइए? क्या वर्ड प्रोसेसर, वर्ड डिक्शनरी, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फॉर्मेट? इट्स अ लड्डू सवाल, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। व्हाट इज द आंसर? टेक्स्ट एडिटर, यस यस। कुछ काजू लोग लास्ट तक है बिल्कुल होंगे, जल्दी से। Word processor, ठीक है, is an application, is a software application, word processor. Basically, it's a word processor. Dash may be included in other folder while making hierarchical structure folder. जब हम hierarchical structure बना या संरचना वाला folder बनाते हैं, तो इनमें से ये use होगा mini, tiered, sub folder या object. चलिए बलजीत, चलिए चलिए आंसर करें। अभय, धर्मेंद्र चौधरी, ऑप्टिमस प्राइम, संजय, हरीश। सब फोल्डर, ठीक है, मे बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, विस्टा, लिनक्स, एमएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल्स मैक ओएस। OS is not an operating system. जल्दी से बताइए। कौन सा ऑब्जेक्ट है वाले का? ओके, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है? एक ऐप है, इट जस्ट लाइक एन ऐप, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या वो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्ट हमें एंड यूजर को कनेक्ट करता है क्या? नहीं। विंडोज, विस्टा, लिनक्स और एप्पल ये है। द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा सिंगल यूजर है? विंडोज, विंडोज नेट, यूनिक्स, नन ऑफ दीज। All of you, okay, come on. None of these, ठीक है, सिंगल यूजर नहीं, ये सारे क्या है? मल्टी यूजर है। ओके, नाउ वी हैव दीज ऑल आर मल्टी यूजर। प्राइमरी पर्पस ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, to make computers easier to use. Previous question का last option के object था ना? Okay okay. Subfolder तो कई बार ऑप्शन से related भी नहीं होते हैं. What is important कि आप उस question का subfolder लिखा था ना? That was correct answer. Yes VG, अतुल वाघमारे, नवदीप सिंह, good अतुल is good, he is there, अभिषेक, लिम्बाचिया, सोनू कुमार, बॉन्टोविन, आशा प्रशांत। टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू यूज, ये क्यों करते हैं हम मुख्यतः? ये तो कितना डिफिकल्ट होता अगर हमें मशीन लैंग्वेज हर बार सीखनी पड़ती तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाते। इजी कर सके इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के बीच का दुआ होती है। इफ द यूजर वांट्स टू डिलीट अ फोल्डर इन अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही विल, अगर वो डिलीट करना चाहता है किसी फोल्डर को तो वो क्या यूज कमांड देगा? कमांड, ठीक है। सिंपल डेल, ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, डोंट वरी, ऐसे ही इजी इजी सवाल आपको आएंगे। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी वेरी लड्डू सवाल, इसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होने चाहिए, जस्ट इन फ्रैक्शन। कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? Answer is disk operating system. Which of the following option is an example of a software? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, सीपीयू, जॉयस्टिक, एमएस ऑफिस। Come on, come on, come on. CJ, Sonu Kumar, Amit, Amit Singh, Arun Keshav. MS Office, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जबकि ये सारे हार्डवेयर है। The desktop of a computer refers to, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है वो क्या होता है? It's a visible screen, area around the monitor, top of the mouse pad, inside a folder. बहुत ही बड़ा लड्डू सवाल है ये, बहुत आसान है। चलो जल्दी से फटाफट फास्ट। What is the answer? Come on, come on, come on. Visible screen is a one. NIC stands for, NIC का मतलब क्या होता है? Network Interface Card, Network Information Center, No Internet Card या Network Internet Card. अमित सिंह come on, चलो फटाक से आंसर करो। सीके प्रजापति, अरुण केशव क्लास में नहीं है, ओके, और उन्होंने अपने एजेंट को रखा है आंसर देने के लिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। www बाप रे, मतलब बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बहुत। www स्टैंड्स फॉर www, थैंक गॉड wwf नहीं था। Actually not sure. Okay, okay. हरीश बुद्धोला, सोनू कुमार, कुमान कुमार, जयवीर सैनी, चलो चलो शिवाले का फटाक से। क्या 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 World Wide Web, okay, World Wide Web. Which Indian telecommunications company is credited to have brought internet into India? इनमें से कौन सी? ये बहुत हिस्टोरिक सवाल है कि भारतीय दूरसंचार कंपनी को भारत में इंटरनेट लाने का श्रेय दिया जाता है। भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। और हमारे ऑलमोस्ट वी हैव 40+ क्वेश्चंस बचे हुए। वी देखो, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ब्रॉट द इंटरनेट इनटू इंडिया। अगला सवाल, एपिक इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने देखा एपिक एग्जांपल किसका है? वेब ब्राउजर का। ओके, दिस वी हैव सीन। ओके, ओके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट लेट मी सी हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, सो येस, नाउ आई गेस वी हैव फिनिश्ड विद द क्वेश्चंस। येस, इतने सारे। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर 120 क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे 120 क्वेश्चंस थे। द टारगेट वाज 100 क्वेश्चंस बट प्लस 120। दीज आर द बोनस क्वेश्चंस, दीज आर द bonus questions for you. 120 question in 1.5 hour. So just your day is there. आपका new year बन चुका है. So this is your new year. आपका new year बन गया. As you have started, इतनी सुबह सुबह आपने यहाँ पे आकर इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें से जो भी एग्जाम में आएंगे आपके सारे करेक्ट होंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर. डू नॉट फॉरगेट, अपने रिक्वायरमेंट्स आप मैसेज पे डाल दीजिए कमेंट्स में. वी विल सी एंड हैव मोर सच सेशंस. मेरा नाम ना भूलिए, नेम इज प्रियंका. जो भी आप कोर्स लेंगे, अगर आप ये मेरा नाम यूज करते हैं एज अ कोड, आपको इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो फीस कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, इसका बेनिफिट जरूर उठाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सही है अरुण केशव, ओके ओके ठीक है। चलो ये इतने ही सवाल थे हमारे पास, वी हैड दैट मच। ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर विशेस। नो नो नो, गुड डे बाय।